सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जय देवादरायण चरण करमो जगधन्य ऋषिवृंदावन बिहारी लाल की श्री युगल बिहारी सरकार की श्री हनुमंतलाल की त्रिविध व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की गो माता की बस्ती माता की ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज की वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर महारानी की गौ माता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विष्णु सीताराम भगवान आइए परम पूज्य परम वंदनीय कण कण में व्यापक परमात्मा सच्चिदानंद को नमन। ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज की प्रमुख यजमानी में आयोजित उन्हीं की पावन गोद में बह रही भागवत मंदाकिनी को निमित्त रूप में प्रवाहित करने वाले जोशी परिवार और समस्त श्रोतागण बंधु बांधवों माताओं को राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत की इस मंदाकिनी में हम सब प्रवेश करें, उससे पूर्व गोविंद देव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करें। सुरभ्यै नमः श्री गोविंद देवाष्टकम् दिव्यादि दिव्य तडिदं दर्शोमानम् राधा मनोहर नंदा कणस्थम
गीता में एक बात कही गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन,
मेरी जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। आज दिव्य को कहते हैं डिवाइन, दिव्य है। जन्म भी दिव्य और मेरा कर्म भी दिव्य। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बुद्धि दिव्य है? हमारी बुद्धि दिव्य कब होगी? बुद्धि में एक चीज आवश्यक है जो रहता है, उसका नाम है विचार। विचार भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अपना विचार प्रायः अभिमानी व्यक्ति को उत्तम ही लगता है। अभिमानी व्यक्ति को कभी भी अपना विचार खराब नहीं लगेगा। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। लेकिन विचार को जब तक विवेक की छलनी में छान करके न प्रस्तुत किया जाए, तब तक वह विचार दूषित ही रहेगा। विवेक हमें कहां से मिलता है? एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी बुद्धि अभी दिव्य नहीं है। अभी स्पष्ट हो जाएगा। हम सबके सब प्राणी इंद्रियों के अधीन है कि इंद्रियां हमारे अधीन है? अगर हम सब लोग इंद्रियों के अधीन हैं, तो पहली बार में ही हम फेल हैं। पहली बार में हमारी कितनी बड़ी परीक्षा है। पहली बात तो हमारे को इंद्रियों को अपने अधीन करना है। इंद्रियां अधीन कब होंगी? जब इंद्रियों का राजा मन हमारे अधीन होगा। अगर हम इंद्रियों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। अगर हम इंद्रियों के मालिक मन को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारी बुद्धि में मलिनता रहेगी। और इससे ऊपर है उस तत्व का नाम है बुद्धि, मन से भी ऊपर बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि दूषित है, मन हमारे अधीन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि नियंत्रण में नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है। अगर बुद्धि ठीक होती तो मन ठीक होता, मन ठीक होता तो इंद्रियां ठीक चलती। क्योंकि बुद्धि के अधीन मन है और मन के अधीन इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अधीन तुम हो। तो विचार करके देखो हमारी बुद्धि दिव्य कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। और बुद्धि अगर विवेक के नियंत्रण में नहीं है तो गलत भागे। जैसे घोड़े अगर वश में नहीं है लगाम की, घोड़ों में लगाम नहीं है, तो घोड़े इधर उधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? घोड़े घुड़सवार के वश में ना हो तो उठा करके पटक देंगे। इसका मतलब घुड़सवार कच्चा है, जो घोड़ों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा। कमी तो घुड़सवार में अभी है। घोड़े तो बिगड़ेल होते ही हैं, उनको वश में करना पड़ता है। इसलिए बुद्धि दूषित तो मन दूषित, और मन दूषित तो इंद्रियां दूषित, और इंद्रियां दूषित तो हमारा जीवन चरित्र गिर जाएगा। और बुद्धि में, बुद्धि को ठीक करने के लिए चाहिए विवेक। विवेक माने कॉन्शियसनेस, विवेक माने चेतना। ये विवेक हमें कहां से मिलेगा? रामचरितमानस कह रही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होगा। और वह सत्संग भी कौन सा?
धन के बल पर प्राप्त हो गया, वो सत्संग ये हमारे संपर्क के बल पर प्राप्त हो गया, साधारण जनों ने इनवाइट कर दिया, आ जाओ जी कथा में सत्संग, वो सत्संग ना, कौन सा सत्संग से विवेक प्राप्त होगा जो प्रभु की कृपा के बल पर प्राप्त होता है। ये हम सब जितने यहां पर बैठे हैं ये प्रभु कृपा का बल ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग सत्संग भवन में यहां तक पहुंच पाए हो इसमें कृपा भी नहीं तो क्या। अति हरि कृपा चाहि पर होई, अति हरि कृपा चाहि पर होई, पाव दिल एही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप देह एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप देह एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप देह एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा हो तब कोई यहां तक पहुंचेगा, नहीं पहुंच ही नहीं पाएगा, इस ओर पांव ही नहीं बढ़ेंगे, वहां तक आएगा लौट जाएगा, दरवाजे तक आएगा लौट जाएगा, कोई सोचेगा गर्मी बहुत है कौन अभी चले, आ ही नहीं पाएगा। हम लोग भगवान के सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहां पर बैठे हैं, जैसे जनता इलेक्शन में खड़े हुए व्यक्ति को इलेक्ट करती है तो संसद में पहुंचता है, और जब जनार्दन किसी को सेलेक्ट करते हैं तो सत्संग में पहुंचता है। ये भगवान के, नहीं तो सोच सकते थे कि अभी कलकत्ते में एक महीने पहले पवन जोशी जी कथा करा रहे हो और एक महीने बाद उन्हीं के भाई भगवान गोविंद देव जी के प्रतिनिधि बनकर के आयोजन कर रहे हो, संभव था ही नहीं, एक कृपा हुई तो संभव है। नारायण, और मजे की बात है दोनों भाइयों की कथा अधिक मास के आगे और पीछे हुई है, अधिक मास प्रारंभ होने से ठीक पूर्व कथा हुई और अधिक मास विश्राम होने के बाद यह कथा हुई, ये भी एक संजोग है, नहीं तो चाहना तो क्या क्या थी, अधिक मास की भी चाहना थी। हाँ, लेकिन भैया जब ठाकुर जिससे जो करवाना चाहेगा वो ही व्यक्ति को करना पड़ेगा, हम सब उसके हाथ की कठपुतली है। हाँ, वो परमात्मा जो है, देखो कठपुतलियां नाचते हुए दिखती हैं लेकिन नचाने वाला कोई और होता है। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म और कर्म की बात है वो दिव्यता की बात है, जिस बुद्धि में दिव्यता ही नहीं है वो उनके जन्म को भी क्या समझेगा और उनके कर्म को भी क्या समझेगा। दोनों ही दिव्याति दिव्य हैं, क्यों, भगवान का जन्म होता ही नहीं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, न भगवान का जन्म है न भगवान की मृत्यु है,
आज की भाषा में आज की जनरेशन को जब हम ये कहते हैं कि एनर्जी न जन्म लेती है न मरती है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी को भी एनर्जी देने वाली सुप्रीम एनर्जी है, वो जन्म कैसे लेगी, वो मरेगी कैसे, न जन्म न मरम, तो फिर कैसे दिखता है कि भगवान का जन्म हुआ? बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे किसी ने नया नया मकान बनाया और नए मकान में बिजली का कनेक्शन अभी आया नहीं है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो हमने एनर्जी ली, रसीद प्राप्त हुई रुपया दे करके, कनेक्शन मिला, तो कहते हैं अब बिजली आ गई, जन्म हो गया। तो क्या जन्म हुआ है? बिजली तो पहले से थी, आपको प्राप्त हो गई, बिजली का जन्म नहीं हुआ, एनर्जी का जन्म नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान जन्म लेते दिखते हैं, लेकिन भगवान का जन्म ही नहीं होता है, भगवान का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट हुए और लुप्त हो गए, ये है भगवान। इसलिए या नहीं कहा, और ये कृष्ण नहीं है, हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये आनंद का प्राकट्य है। और इतना धूमधाम से उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं। हम सबके जीवन में भी यदि आनंद का प्रादुर्भाव हो जाए तो हम सब, कल बताओ कोई पे लोन चढ़ा होगा, कोई कर्जे में डूबा होगा, या किसी पर कोई समस्या आई होगी, जो कल इस कथा में बैठा था चाहे क्षण भर के लिए ही सही समस्याएं भूल गया था कि नहीं, चाहे क्षण भर के लिए ही सही, जब भगवान का प्राकट्य हुआ और नाचने लगा तो भूल गया कि नहीं भूल गया, लुटाने लगा तो भूल गया अपने दुखों को, नहीं भूल गया, आनंद में ही सरोवर हो गया। भाव भाव यह है कि जब जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव होता है तो दुख कैसे चला जाता है, जैसे गगन में सूर्योदय होता है तो कोई पूछे अंधकार कहां चला जाता है, सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार। आज तक मजे की बात यह है कि सूर्य ने अंधकार देखा ही नहीं है, आज तक नहीं देखा। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी हाँ तो सूर्य को समझाओ, बोले क्यों, बोले हमेशा हमें खाई जाता है, आप उसको समझाओ हमें खाया ना करे। ब्रह्मा ने कहा इस बार सूर्य मिलेगा तो कहो, नहीं नहीं बात करो, तो ठीक है कह दूंगा। अंधकार गया, सूर्य नारायण दर्शन देते हैं, सूर्य नारायण का ब्रह्मा ने कहा सूर्य जी प्रभु एक बात बताओ, तुम अंधकार को क्यों खाते हो? सूर्य बोला कौन अंधकार? अरे जिनको तुम खा जाते हो। अरे मैं किसी अंधकार को नहीं जानता भाई, मैं किसी अंधकार को जानता ही नहीं हूं। अरे तुम मिले नहीं हो सुबह सुबह। अरे कमाल हो गया, मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई है, आज तक अंधकार रहता कहां है? अंधकार बला क्या है ये सूरज को नहीं मालूम, उस अंधकार अंधकार सूर्य से भयभीत रहता है। सूर्य है प्रकाश, जीवन का आनंद, अंधकार है। अब अंधकार को मैं काला कहूंगा नहीं कहूंगा, अंधकार तो काला ही है। अब अंधकार वो भयभीत रहता है भाव, जिसके जीवन में आनंद का सूर्योदय हो जाता है उसके जीवन में दुख रूपी अंधकार तो भयभीत ही रहता है, रहता ही नहीं है। लेकिन आनंद कब प्रकट होगा? जब जीवन उत्साह से भरा होगा, जीवन उत्साह से भरा होगा। और उत्साह कब आएगा जीवन में? जब हर दिन आपको नया प्रतीत होगा। उत्साह तभी जीवन में आता है जब हर दिन नया लगता है, और उत्साह कब चला जाता है? जब हर चीज पुरानी लगती है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझे, गाड़ी पुरानी है उत्साह नहीं है, अभी नई गाड़ी शोरूम से निकल के आ जा अभी उत्साह आ जाएगा, नई वस्तु को देखते ही उत्साह आ जाता है। अगर हर दिन लोग दुखी क्यों रहते हैं? पूछो क्या बात है, क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है बहन, सब ऐसे ही चल रहा है। अरे तू बता ना,
सुबह से शाम तक चौका चूल्हा बर्तन सास ससुर सब यही सब बच्चे। अरे तू कभी तो अगले दिन बात करी, और क्या है, बस रोटी बेल रही हूं, हमारे पतिदेव का ऑर्डर है आज स्टफ पराठा खाएंगे हम, स्टफ पराठा, बच्चों ने कहा रोटी खाएंगे, दोनों का काम कर रही हूं। बहुत बढ़िया, रोज बात करो, रोज उदास, रोज उदास क्यों? और आदमी से पूछो तू क्या कर रहा है, अरे भैया हमारा क्या है, मुल्ले की दौड़, मस्जिद तक दफ्तर जा रहे हैं। सर्विस वाले से पूछो तू, अरे बॉस ने असाइनमेंट दे रखा है करना है, नहीं करेगा इस महीने तक तो नौकरी गई बाबू, काम करके देना पड़ेगा, दिन रात लगे रहो, बॉस ने कह दिया लास्ट वार्निंग है, जा रहा हूं। रोज का भाई क्यों? उत्साह नहीं है। उत्साह क्यों नहीं है? आप हर दिन पुराना समझ रहे हो, और जिस दिन हर दिन नया, तो हर दिन नया कब होगा? जब व्यक्ति हर दिन उत्साह से जीना चाहेगा, चाहत हो। गोपांगनाओं के लिए भगवान कृष्ण जब दर्शन देते हैं तो हर दिन उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण नए हैं, हर दिन। आपका एक बार जुड़ाव किसी से हो गया, साधारण जीव से भी, उदाहरण के रूप में अगर किसी से प्रेम हो जाए और रोज मिलो तो रोज नयापन लगता है कि नहीं लगता? और ऐसे ही प्रेम ठाकुर से हो जाए तो, जब एक साधारण इंसान से जिससे तुम्हें प्रेम हो रोज मिलने पर रोज नयापन लगता है, रोज उत्साह रहता है। शादी से पहले लड़का लड़की जब मिलने की बात आती है, आजकल शहरों में तो सब रहता है यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे, और बहन पूछती है जीजी जिया जी कहां मिल रहे हैं, अरे होटल ताज में मिल रहे हैं, आस्ता हूं, एकदम उत्साह, रात को नींद उड़ जाती है, खुशी खुशी उठते हैं फ्रेशनेस के साथ में। जब एक साधारण इंसान से मिलने पर, बार बार मिलने पर इतना उत्साह हो सकता है, अगर वही प्रेम वही मिलन की चाह भगवान से हो जाए तो जीवन में उत्साह अपने आप भर जाएगा। दिने दिने नवम नवम नमामि श्यामसुन्दरम्, नवम नवम नमामि श्याम सुंदरम। हमें भी उत्साह कब आता है कथा में? जब हर दिन कथा नवीनता का स्वाद लेते हुए प्रकट होती है। लोग मुझसे पूछते हैं आप कथावाचक हैं, तो भाई हाँ कर्म तो यही है, लेकिन मैं कथावाचक अपने आप को प्रेफर नहीं करता कि मुझे मैं कथावाचक हूं, मैं कहता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं जो आज भी पढ़ता हूं, कुछ नवीन पाने की कोशिश में लगता हूं कि कुछ नया मिल जाए। और वाकई जब ये ललक होती है तो आपको फिर हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। आपका चिंतन जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया मक्खन निकले। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जाते हैं, कंस को कर देने, कंस देखता इतना कर इतना टैक्स, बोले लाला हुआ है। कंस आशीर्वाद देता है लाला को और कहता है तुम्हारे लाला का कल्याण हो, हे ब्रजराज तुम्हारा लाला बड़ो होवे, दीर्घायु होवे और अपने शत्रुओं को सबको संहार करे। नंद बाबा बोले कंस तेरे मुंह में घी सक्कर, विधाता तेरी वाणी को फलीभूत करे। बोले ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। आज कंस ये भी नहीं जानता है कि आशीर्वाद दे अपने शत्रु को ही रहा है। ये ही कृष्ण की, ये ही राम की विशेषता है। मैंने आपको पहले दिन कहा था
कि रावण जब आचार्यत्व करने रघुनंदन राम के लिए आए हैं और राम जी ने प्रणाम किया है तो रावण ने आशीर्वाद दिया है विजयी भव। ये जीवन का सूत्र है कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करता है वो राम तत्व है, वही कृष्ण तत्व है। खरदूषण सुपर्ण खा की नाक कट गई, कान कट गए, रोती रोती सुपर्ण खा खरदूषण के पास आती है। किसने कहा थे, परिचय मिला सेना लेकर के रघुनंदन राम से युद्ध करने, खरदूषण दोनों भैया चले। रघुनंदन राम ने जानकी जी को लक्ष्मण जी को कहा कि गुफा में ले जाओ, अकेले रघुनंदन राम खड़े हैं। राम की झांकी को निहारते ही खरदूषण के शब्द क्या निकले, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। राम जी के रूप को देखते ही मान लिया बहन को कुरूप किया हो, लेकिन वध लायक नहीं भूप अनूपा, ये वध के लायक नहीं है। राम जी की झांकी को देख करके इनके मन में यह भाव आया, भले ही हमारी बहन की नाक कान इन्होंने काटी हो लेकिन ये वध करने लायक तो नहीं है, ये तो छोड़ देने लायक है, क्षमा करने लायक है। अगर बहनिया की नाक कान काटने वाले भैया के मन में भी ये भाव आ जावे, अपनी बहन को देखने के बाद भी कट गई लेकिन ये मारने लायक तो नहीं है, तो जरा विचार करो राम जी के स्वरूप का, राम जी के रूप का तेज कितना होगा कि शत्रु भी राम जी के वध करने की सोचते नहीं, बाण चलाने की नहीं सोचते। सैनिकों को भेजा बाकायदा, जाओ जाकर कह दो हम छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, अकेले बेचारे क्या करेंगे, ये वध लायक नहीं है। इनसे कह दो अपनी पत्नी हमें सौंप दे, बहन की नाक कान हम नाक कान कटी ले जाएंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं, अपनी पत्नी हमें दे दे, ज्यादा कह दो। सैनिकों ने जाकर के कही कि महाराज हमारे महाराज के हृदय में आपको देखकर दया आ गई है, तो आप अपनी पत्नी जो है इनको दे दें, आपको छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। रघुनंदन राम मुस्कुराते हैं, जाकर के कह दो कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, हमारा काम शिकार करना है, इस वेश को देखकर सन्यासी ना समझ ले, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय मृगयावन करहीं। और कैसे मृगों को मारते हो, बोले तुमसे खग मृग खोजत फिरहीं, तुम जैसे खगों को मृगों को हम खोजते फिरते हैं, अब खोजने की दरकार नहीं, सामने ही आ गए हो। तब युद्ध हुआ है, ये राम जी का स्वरूप, ये कृष्ण का स्वरूप। साधवो यम प्रशंसन्ति, यम प्रशंसन्ति पंडिताः, शूराश्च यम प्रशंसन्ति सपार्थ पुरुषोत्तमः। भगवान की झांकी ये है, साधु उनकी प्रशंसा करे, शत्रु उनकी प्रशंसा करे, शूरवीर उनकी प्रशंसा करें, उन्हीं का नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। वसुदेव से भेंट हुई, एक दूसरे के प्रति सद्भाव है नंद बाबा और वसुदेव का परस्पर। वसुदेव कहते हैं हमारे लाला खुश तो हैं, बोले आपके लाला, बोले आपके लाला तो हमारे लाला, एक ही बात तो है, आपके लाला हमारे लाला, बात को पलटा, आपके लाला, बोले राजी हैं। हे वसुदेव, आपके दुख से भी हम भली भांति परिचित हैं, हम चाह करके भी आपकी रक्षा न कर पाए बच्चों की, क्योंकि बलवान कंस है, हम डंडे और लाठियों से कहां तक कंस से युद्ध कर पाते। लेकिन एक बात कहूं वसुदेव, भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्यम भावी भावानाम, जो आपकी भावी है, भावी माने ब्रदर की पत्नी नहीं, भावी माने भाग्य की लिखी हुई लेखनी से बना हुआ फ्यूचर, ऐसा होना है। ये जो आपकी भावी जो है जीवन में, वो तो हो करके ही रहेगी, आप लाख प्रयास करके देख लो, और जो कोई भी इसे रोकने का प्रयास करता है, भाग्य में लिखे को मिटने का प्रयास करेगा,
तो उसे जीवन में दुख हो, दुख के अलावा दूसरा कोई रास्ता विकल्प नहीं है, उठाना पड़ेगा दुख उसे। इसलिए सहजता से भाग्य में होने वाले को, जैसे अब मरने वाला है, कोई मरने वाला है, पर आप लाख प्रयास कर लो, आप लाख प्रयास करोगे, आपको इस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लाखों डॉक्टरों को फोन मिलाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया खर्चा कर देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी भावी टलेगी, मौत टलेगी नहीं टलेगी। इसलिए जो इसको टालने का बहुत प्रयास करता है उसे उतना ही ज्यादा दुख भी उठाना पड़ेगा। कुछ चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है जो मनुष्य के हाथ में नहीं, वो कौन सी चीज है? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे हूं मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। हानि भी, लाभ भी, जीवन भी, मरण भी, यश भी और अपयश भी, ये विधि के हाथ में है, विधाता के हाथ में है, ये हम सब के हाथ में नहीं। बहुत प्रयास किया, अब दशा ही ऐसी आ गई, नोटबंदी भाई, सब पंचर हो गए, कितने पंचर हो गए सोचो, सब पर ही ग्रह गोचर की दशा आ गई, कुछ उभरे, कुछ मरे, कुछ अभी तक उभरने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पटरी पर आ रहे हैं। भाग्य है, इसको रोक नहीं सकते। एक बात है, क्या भाग्य को कोई पलट सकता है? बताओ, भाग्य को कोई पलट सकता है? कर्म? तो एक बात मुझे उत्तर दो, भरत लाल का कर्म कमजोर था क्या? क्या दशरथ का कर्म कमजोर था क्या? क्यों राम जी को वन में जाना पड़ा, वो भावी थी, उसको रोक ना सके? क्या शंकर भगवान का कर्म कमजोर था क्या जो सती को रोक ना सके? अगर कर्म ही, हम लोगों से तो महान कर्म उनका होगा, वो भी भाग्य को ना रोक सके तो कौन टाल सकता है? एक शंकर जी के लिए रामचरितमानस में लिखा, भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य को मेटने की सामर्थ्य शंकर जी में। शंकर जी का प्रश्न यही है कि शंकर जी के पास सामर्थ्य भी है लेकिन शंकर जी टाल नहीं पा रहे। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी। कोई प्रमाण, कोई साक्षी है? बोले गौरीसा, शंकर पार्वती साक्षी। सिद्धि का अर्थ भाग्य में लिखा हुआ होगा वो तो सिद्धि हो जाएगी, मिल जाएगा, लेकिन भाग्य में न मिला होगा तो? बोले वो भी मिल जाएगा। बोले क्यों? बोले जिन्होंने साक्षी भरी है उनकी महिमा ही ऐसी है कि भाग्य के लिखने वाले को मिटने की सामर्थ्य रख देते हैं, जो न लिखने वाला हो उसे भी कर देते हैं, भाग्य में ला देते हैं। तो प्रश्न है, शंकर जी से पूछा, क्या भरत लाल ने मनाया नहीं था शंकर जी को? दशरथ जी ने मनाया नहीं था शंकर जी को? बोले मनाया था, फिर क्यों नहीं रोक पाए भाभी को? बोले शंकर जी से पूछो। शंकर जी मुस्कुरा के बोले, हम अपने घर की भाभी ना रोक पाए, दूसरे के घर की क्या रोकेंगे? तो कहा कि बातें झूठी लिखी हैं कि आप भाग्य को पलट सकते हो। शंकर जी ने कहा, बात तो सच है, पलटने की सामर्थ्य हम में है, प्रमाण कहीं पर? बोले मारकंडे की मृत्यु हो रही थी लेकिन उसको चिरजीवी बना दिया है, मारकंडे आज भी जिंदा है। तो सामर्थ्य है भाग्य को पलटने की हम में, लेकिन फिर, लेकिन भावी दो तरह की, दो तरह की। कौन सी दो तरह की भावी? एक है कर्म जनित भावी, कर्म से पैदा होने वाली भावी, और दूसरी हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा
इच्छा भावी बलवाना हरी 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 इच्छा भावी बलवाना। अच्छा एक बार विचार करके देखो हरी इच्छा भावी बलवाना तो क्या पर भगवान की इच्छा वाली भाग्य में लिखी हुई चीज है तो प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए। शंकर जी ने प्रयास किया है। कर देखा हर जतन बहु रहिन दक्ष कुमारी कर देखा हर जतन। हर जतन का मतलब है जो युक्ति जो नीति लग सकती थी शंकर जी ने वो सारी लगाई है और एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन रह ही न दक्ष कुमारी दक्ष की बेटी तो रही नहीं चलती। तो शंकर जी ने फिर विचार क्या किया इतना प्रयास करने के बाद भी वही की वही स्थिति है कि सती जाना चाहती है। तब शंकर जी क्या कहते हैं होई ही सोई जो राम रची राखा होई ही सोई जो राम रची राखा यहां पर भगवान की इच्छा। इसलिए अच्छा इस चौपाई को कुछ अकर्मण्य लोगों ने भी ग्रहण कर लिया। अकर्मण्य लोग का मतलब काम धंधा कुछ करते नहीं है। कोई मुझे काम करो बोले काम क्या करो अरे कुछ तो काम धंधा करो अरे महाराज हो ही सोई जो राम रची राखा राम जी जो चाहेंगे वो होगा ऐसे थोड़ा ही उन्हें काम धंधा की बोलो वो काम धंधा ही नहीं करते। राम जी ने यह कहा है कि कर्म करना छोड़ दो ना। एक बार चोरों ने चोरी करी पकड़े गए पुलिस ने कहा चोर जी हुजूर चोरी करने गए बोले हम कहां गए बोले फिर वही सोई जो राम रची राखा राम जी ने करवाया तो हमने कर ली। तब राम जी ने पकड़वा लिया पकड़ में आ गए। ओहो हम अपने आप थोड़ी कुछ करते सब राम जी कराते वही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावा ही साखा। पुलिस वालों ने कहा रामचरित मानस पड़े हुए चोर है हाँ पढ़े लिखे चोर है चौपाई भी बोलते हैं साथ में सिपाहियों बोले एक हाथ उधर पकड़ो एक हाथ इधर पकड़ो पकड़वाए हाँ ला डंडा ला क्या कर रहे हो कुछ नहीं ले करके डंडा पीछे चार खींच करके दिया मर गया मर गया मर गया क्यों मार रहे हो बोले हम कहा मार रहे हैं हो ही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ा वही साखा। भाग्य का लिखा है कौन मिटेगा इसे। इसलिए जो अकर्मण्य लोगों ने स्वीकार कर लिया वो गलत है। भगवान ने कर्म करने की मना कभी नहीं करी। प्रतिपादन हो रहा है आज की कथा का कर्म से और देखो विश्राम होगा तो कर्म पर भागवत का आज विश्राम भी होगा तो कर्म पर होगा। नारायण वसुदेव जी ने कहा बड़े भैया आपने बैठ करके इतनी बात कह दी मन बड़ा हल्का हो गया अब लेकिन एक काम करो आप यहां से सीधे गोकुल चले जाओ मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। वसुदेव सत्यवादी हैं झूठ कभी बोलते नहीं है। नंद बाबा चले कंस की भेजी एक राक्षसी थी नाम था इसका बकी पूतना ये बच्चों को मारने का काम करती थी। एक विचार भगवान ने पूतना का उद्धार किया मैं एक ही लाइन में कह रहा हूं कथा में विस्तार नहीं करूंगा आज। एक ही बार में पूतना आई है तो रूप बढ़िया बना कर आई है ठीक है। स्तन में दूध है लेकिन विष लगाकर आती है बच्चों को पिलाती है और मार देती है इसका काम है। दूध क्या है दूध है ज्ञान। देखो दूध है ज्ञान। राजा दशरथ की रानियों ने खीर पी तो खीर तीन चीज से मिलकर बनती है
कौन सी तीन चीज? एक तो दूध, एक चावल, एक चीनी। चावल चीनी और खीर तीनों मिलके बनी खीर। खीर ले जाओ राजा जी बन जावे की तकदीर। खीर ले जाओ दशरथ जी बन जावे की तकदीर। ये तीन चीज से मिलकर बन रही है, ये तीनों ही है क्या? चावल क्या है? चावल है कर्म, बोया जाता है, फिर जल से सींचा जाता है, और फिर वो जो कृषि का काम है वह सब जो किए जाते हैं, और बाद में जाकर के अंकुर निकलता है, चावल निकलते हैं, ये है कर्म। दूध क्या है? दूध है ज्ञान। दूध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान है दूध। और चीनी क्या है? बोले ज्ञान भी हो जावे, कर्म भी बढ़िया होवे, लेकिन चीनी न डले तो मिठास नहीं आएगी। बोले चीनी क्या है? बोले चीनी ही भक्ति है, चीनी ही प्रेम है। जब प्रेम रूपी चीनी, भक्ति रूपी चीनी, ज्ञान रूपी और कर्म रूपी दूध और चावल में पड़ती है, तब जाकर के खीर में भी मिठास आती है। इसलिए भक्ति विहीन कोई भी शास्त्र हो, उसको यदि ब्रह्मा भी स्वयं कह रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। हाँ, अगर भक्ति नहीं है, केवल कोरा ज्ञान ज्ञान है, भक्ति मिठास है, भक्ति मधुरता, भक्ति मधुरता है। तो दूध माने ज्ञान, इसके स्तन में है दूध, ठीक ज्ञान है, लेकिन इसने क्या किया? विष लगा लिया, भाव ज्ञान में भी मिलावट कर ली। विशुद्ध ज्ञान शास्त्रों का है और उसमें अपनी अल्प बुद्धि की मिलावट कर दी, तो मामला बनेगा कि बिगड़ेगा? लोग ज्ञान को भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि की कसौटी पर ज्ञान खरा नहीं उतर सकता। बोले कब तक नहीं उतर सकता? बोले जब तक सदगुरु के द्वारा प्रदत्त पात्रता जीवन में नहीं आ जाती, तब तक ये ज्ञान भी उतर नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, एक पात्र है और दूध है, दूध एकदम शुद्ध देसी गोमाता का, ठीक, पात्र बढ़िया चमकीला मजा हुआ, उस पात्र में नींबू डाल दिया और ऊपर से दूध डालो, क्या होगा? फट जाएगा। अगर हमारी बुद्धि में मलिनता है और ऊपर से ज्ञान पड़ जावे तो ज्ञान रूपी दुग्ध भी फट जाए। किम्मा दूध हो तो उसमें नींबू डाल दो तो फट जाएगा। इसने वही काम किया, दूध तो है छाती में लेकिन ऊपर से विष रूपी इसने खटाई लगा ली, इसने कड़वाहट लगा ली, तो भीतर का ज्ञान भी फट गया। तो भगवान ने किया क्या? नेत्र बंद करके सबसे पहले तो भगवान ने इसके विष को पिया। विष को पीने का भाव क्या है? अब इसका ज्ञान जो छिन्न भिन्न हो गया है, उस ज्ञान को स्वस्थ करना है। ज्ञान भी अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ हुए ज्ञान को ही स्वस्थ करने के लिए संत और भगवंत कृपा करते हैं। अस्वस्थ हुए ज्ञान को, अर्जुन ऐसा नहीं, नर है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, आज भी नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का ज्ञान अस्वस्थ हो गया है, तो स्वस्थ करने के लिए गीता का इंजेक्शन दिया भगवान ने। अर्जुन को बुखार चढ़ाए, अस्वस्थ हो गया ज्ञान, नष्ट। हाँ हाँ, अर्जुन खुद कह रहा है, हे कृष्ण, ये गांडीव जो शंकर के आगे उठने में कभी कांपा नहीं हाथ, ये गांडीव जब विराट महाराज के यहां पर मैं था, शिखंडी नारायण ब्रह्मला के रूप में, तब मेरा गांडीव हाथ नहीं कांपा, लेकिन आज न जाने क्यों मेरा हाथ कांप रहा है। बोले क्यों? बोले बुखार चढ़ गया है मुझे।
गांडीवम संसते हस्तात त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है, मुझे बुखार चल गया। अब भगवान ने कहा मैं यहाँ पर डॉक्टर कहाँ से लेकर आऊँ? बोले तुम कुछ करो। भगवान ने कहा हम ही डॉक्टर बन जाते हैं। बोले तुमने कुछ पढ़ाई करी है? अरे पढ़ाई क्या करी, हमने पढ़ाई कराई है, डॉक्टरी की पढ़ाई। हाँ हम तो पढ़ाई कराने वाले डॉक्टर हैं, हम तो पढ़ाई। कौन है आप? बोले वैद्यो नारायणो हरि, हम साक्षात वैद्य हैं। हाँ नवसिखिया नहीं है, अनुभवी है। नवसिखिया होगा तो पेशेंट घबरा जाएगा। एक पेशेंट, उसका ऑपरेशन, महाराज पेशेंट बोले मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मैं ऑपरेशन। अब सब लोगों ने समझाया कि बेटा ऑपरेशन कराना जरूरी है, चलो चलो ऑपरेशन थिएटर में लेकर आए। डॉक्टर आया, हाउ आर यू माय सन? फाइन, ओके। सुनो घबराना नहीं डॉक्टर साहब, घबराहट तो होगी ना। क्यों डॉक्टर साहब? पहली बार ऑपरेशन, आज तक ऑपरेशन करवाया नहीं। क्यों चिंता कर रहा है तू? पहली बार ऑपरेशन करा रहा है, मैं पहली बार कर रहा हूं, क्यों चिंता करता है? मैं हूं ना। पेशेंट घबरा गया, भागा वहां से महाराज। तो नव सिखिया के आगे अचरचे कांप जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा हम तो पीएचडी की डिग्री देते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं, हम तो वैद्यो नारायणो हरि हैं। और फिर अर्जुन में सांख्य योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का जो इंजेक्शन दिया, तो अर्जुन 17 इंजेक्शन दिए। इमीडिएटली फायदा करवाना है ना, तुरंत फायदा कराना है, तो 17 इंजेक्शन दिए। अब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध, अब तो गांडीव लेकर चढ़ाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, कर लो काम, स्वस्थ हो गए एकदम। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, वैद्य बन के इसके विश्वरूपी विकार को समाप्त किया, विश्वरूपी विकार को समाप्त किया और नेत्र बंद करके किया। क्योंकि योगी जब काम करते हैं तो नेत्र बंद करके करते हैं, और उसके बाद में जब इसका विकार दूर हुआ, शुद्ध दूध ज्ञान वो रह गया, तब भगवान ने दूध भी पिया, और दूध पिया तो शुद्ध ज्ञान तुरंत मातृत्व भाव जगाता है, पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, तुरंत ये कहती है मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, क्यों? इसमें जहर लगा हुआ है। भगवान कहते वो तो हम खत्म कर चुके हैं, हम तो वो जहर खत्म कर चुके हैं। अरे नहीं, तुझे कुछ हो जाएगा। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी, ये कहती है मुंच छोड़ दे बेटा, मुंच माने छोड़ दे, प्लीज लीव। और भगवान कहते हैं माई हमारा स्वभाव है या तो पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिया तो जन्म जिंदगी में हम छोड़ने का काम नहीं करते हैं, यह हमारा स्वभाव है। भगवान पकड़ेंगे नहीं जल्दी, पर एक बार पकड़ लिया फिर तो क्या कहना। यही बात तो बाली ने कही थी रघुनंदन राम से, आंखें भर आई बाली के प्राण निकलते हुए, बाली कहता है अब नाथ करी करुणा मिलो कहूं। राम जी कहते हैं मांगो वर, बोले देहु देव, मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? बोले जो वर मांगूं अब नाथ करी करुणा मिलो कहूं, देहु जो वर मांगूं। क्या वर मांगते हो? जिन्ना कर दूं? बोले नहीं, मरने दो यहां तो मुझे, और दोबारा जन्म मिलेगा तब। जी ही जोनी जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग, जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। यह तनय, ये मेरा पुत्र है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कहीं बाह इसका हाथ पकड़ लो, सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मेरे पुत्र का हाथ आप पकड़ लो। राम जी ने कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभिमान इतना। तेरे बेटे से नहीं कहता कि मेरे चरण पकड़ ले, मुझसे कहता कि हाथ पकड़ ले। बोले हाँ प्रभु यही कह रहा हूं कि आप इसका हाथ पकड़ लो। बोले क्यों? बोले ये बालक है, कहीं मेले में हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा, आपके चरण छूट गए तो क्या होगा, मतलब ये बालक है, ये कहने पर पकड़ भी लेगा
और आपकी माया के चक्कर में छूट भी जाएगा, लेकिन हमें विश्वास है बोले जिसको मायापति स्वयं पकड़ लेगा तो जन्म जिंदगी में छोड़ने वाला वो कभी नहीं है। ये है भगवान की कृपा। अब आप ही पकड़ लो प्रभु भाव। अरे नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। अरे जो को बोरो Oh,